टीवी अभिनेत्री अशनूर कौर लंबे समय बाद टीवी पर एंट्री करने जा रही है। अपने चुलबुले अंदाज और शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छाने वाली अशनूर जल्द ही नए शो से वापसी कर रही है। उनके शो का नाम सुमन इंदौरी है। हाल ही में अशनूर ने बताया कि वह 3 साल के ब्रेक में क्या कर रही थी। हिना खान की बीमारी पर भी एक्ट्रेस ने दिल की बात बताई। अशनूर कौर जल्द ही सुमन इंदौरी शो से टीवी पर वापसी कर रही है। पटियाला बेब्स के बाद अशनूर कलर्स टीवी के इस शो से दोबारा एंट्री लेने जा रही है। शो में उनके साथ अनीता हसनंदानी और जैन इमाम नजर आने वाले हैं। बता दें कि अशनूर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टीवी से और काम से ब्रेक लिया था। वह उस समय केवल छोटे प्रोजेक्ट ही कर रही थी। बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि मैंने अब अपनी डिग्री पूरी कर ली है और मैं अपने काम पर ध्यान देने वाली हूँ। आने वाले शो के बारे में बात करते हुए स्टार बोली कि ये ऐसी लड़की की कहानी है जो गरीबों की मदद करती है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करती और सबसे प्यार करती है। अशनूर कौर ने टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान की बेटी नायरा का किरदार किया था। हिना खान के स्वास्थ्य के बारे में सवाल करने पर अशनूर ने बताया कि हाँ, मेरी हिना दी से बात होती है, मेरी मम्मी ने भी उनसे बात की थी। वह बहुत स्ट्रॉन्ग है और जल्द ही इस बीमारी से लड़कर खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।